हेलो एवरीवन, हाय, आई एम मारिया खान एंड आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, है ना? किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन एंड दैट्स द रीजन व्हाई किडनीज आर रेफर्ड एज द CEO, दैट इज चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सो किडनीज ब्लड को फिल्टर करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं, दे फॉर्म और दे प्रोड्यूस यूरिन। हावेवर इन रियलिटी हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। ओके, सो नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट जो कि कप जैसा दिखता है, ओके, सो कैन यू सी ओवर हियर कि यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर है एट द टॉप, है ना? ये वाला जो टॉप पे दिख रहा है, दैट कप शेप स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल इट एज द बोमैन्स कैप्सूल। इसका जो सेकेंड पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, ट्विस्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूब्यूल। एंड लास्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? सो नेफ्रॉन के हैं तीन पार्ट्स, अपर कप शेप बोमेंस कैप्सूल, मिडल पार्ट ट्यूब्यूल, लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, यो। ओके, चलो तीनों पार्ट समझ गए, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर से देखोगे तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ना? So this ball of blood capillaries is nothing but the glomerulus. लेकिन ये glomerulus बना कैसे? So a branch of renal artery, ठीक है? A branch of renal artery enters into the Bowman's capsule. It divides and redivides to form a network of blood capillaries. And that network of blood capillaries is nothing but the glomerulus. ठीक है? चलो, ये दूसरी चीज। Then एक और चीज, जो मिडिल पार्ट है ट्यूब्यूल, दैट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है? तो चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज बोमेंस कैप्सूल, द सेकंड पार्ट इज ट्यूब्यूल, द थर्ड पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। बोमेंस कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी का एक ब्रांच डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है और बनता है बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। फिफ्थ पॉइंट, द ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आई होप इतना समझा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है? सो वन बाय वन एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे बॉडी में ब्लड रहता है, इट कंटेन्स एवरीथिंग। इट कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज इट कंटेन्स सम हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, तो अगर मैं बात करूं हमारे बॉडी के तीन विलन, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की, तो ये ठहरे हमारे बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंसेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस की, तो भाई 70% ऑफ आर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो ब्लड में हमारे पानी भी है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस। पानी के साथ साथ देयर्स ग्लूकोज, देयर्स अमाइनो एसिड्स, देर आर सर्टन हॉर्मोन्स, देर आर वेरियस सॉल्ट्स, देर आर सो मैनी मिनरल्स। ये सब चीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है। सो ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज दी हार्मफुल सब्सटेंसेस, राइट? तो बच्चों, ये जो ब्लड है जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेज एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेज है, इट एंटर्स इन टू द ग्लोमेरुलस थ्रू द रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से होके, उसके ब्रांच से होके ये ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है। देखो, एंटर कर लिया। अब ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन कैपिलरीज। तो इस वजह से ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस दे गेट फिल्टर्ड आउट, ठीक है? सो यहाँ पे दिया है, व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट्स फिल्टर्ड। आई रिपीट, व्हेन द ब्लड passes through the glomerulus, it gets filtered. ठीक है? So all the substances, urea, uric acid, ammonia, water, glucose, hormones, salts, minerals, everything gets filtered out. ठीक है?
अब ये जब सब फिल्टर आउट हो जाता है तो एक फ्लूइड सा बन जाता है जो कि यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे जमा हुआ है ना, इट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट। ओके, इट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट, ऑल्सो नोन एज दी ग्लोमेर्युलर फिल्ट्रेट। देखो, सब कुछ जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है और एक फ्लूइड सा बन जाता है, एंड दिस फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ग्लोमेर्युलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो देखो वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेर्युलर फिल्ट्रेट आके जमा हो गया है। अब रिमेनिंग क्या, अब जो भी फिल्टर्ड ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड इज कैरिड बैक टू द हार्ट थ्रू द रीनल वेन। ठीक है, यहां से एक ब्लड कैपिलरी निकलता है, वो जाके रीनल वेन को जुड़ता है एंड रीनल वेन कैरीज इट बैक टू द हार्ट। ठीक है, अब हमें उस ब्लड का क्या हुआ ये नहीं जानना है, यूरिन कैसे बना ये जानना है। तो फिलहाल के लिए तो वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे फिल्ट्रेट जम गया है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने देख लिया कि फिल्ट्रेट आ गया है वुमेन्स कैप्सूल में। नाउ दिस फिल्ट्रेट फर्दर मूव्स इनटू द ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल में यहाँ पे मूव हो गया। अब सारी की सारी यूजफुल सब्सटेंसेस यूरिन बन के बाहर निकल जाएगी तो भाई हमें तो नहीं चलेगा, दिन भर पानी पीते रहना पड़ेगा, हॉर्मोन्स निकल जाएंगे, ग्लूकोज निकल जाएगा, कुछ मतलब नहीं आएगा। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस अलोंग विथ वाटर दे आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ट्यूब्यूल। ठीक है, जैसे गर्मी के मौसम में हमारा बॉडी ढेर सारा वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेगा, बारिश और ठंड में ये कम वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, राइट? बट दिस यूजफुल सब्सटेंसेस विल डेफिनेटली बी रीअब्सॉर्ब्ड। तो अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, ठीक है, गलत एरो कर दिया मैंने, अगर मैं बात करूँ ग्लोमेरुलस की तो यहाँ पे हो रहा है फिल्ट्रेशन, लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्यूब्यूल की तो यहाँ पे हो रहा है रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, सो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस तो हो गया भाई हमारे ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या, ये जो बचा कुचा फ्लूइड है, रिमेनिंग फ्लूइड, ठीक है, रिमेनिंग फ्लूइड जो है अब ये अदर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल से पास होते जाएगा होते जाएगा और फाइनल ये कलेक्ट होगा इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब जब इसमें से सारी यूजफुल चीजें निकल गई हैं और सिर्फ वेस्ट बचा है, कचरा बचा है, तो उस फ्लूइड को हम बोलेंगे यूरिन। ठीक है, सो इवेंचुअली दिस यूरिन एंटर्स इनटू द यूरेटर्स एंड यूरेटर्स कैरी इट टू द यूरिनरी ब्लैडर, सो यहां से ट्रैवल करके यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई जमा हो गया। अब ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन टेम्पररीली थोड़े देर के लिए एंड देन द यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट वाया यूरेथ्रा, राइट? यूरेथ्रा से इसे बाहर फेंका जाता है। एक बहुत ही मजेदार चीज है बच्चों, वी कैन कंट्रोल द अर्ज फॉर यूरिनेशन अप टू सर्टन टाइम बिकॉज द ब्लैडर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स। ओके, सो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कैन कंट्रोल द अर्ज फॉर यूरिनेशन अप टू सम टाइम। आई होप तुम्हें ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया है। सो ऐसे ही मजेदार सेशंस में लेके आते रहूंगी आपके लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलो वापस एंड दैट्स इट, लव यू ऑल, बाय।